अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से हो। ये है 25 पाइप यूनियन और ये 25 पाइप में इस्तेमाल होती है। और ये है चकवाल जो कि मोटर पंप के लिए यूज़ होती है। इसकी तरीका आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये है मेटल साकट जो कि 25 पाइप में लगती है। इसकी तरीका भी मैंने अपलोड किया है। ये है धागा जो कि तार से बांध लिया जाए अच्छे तरीके से, तो फिर लीकेज वगैरह का मसला ना हो। ये है 25 mm और 32 mm पाइप के लिए क्लिप। इस क्लिप से पाइप मजबूत हो जाता है और बाद में किसी किस्म का मसला ना हो, तो ये ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये है 25 साकट, सादा साकट। एक तरह एक मेटल साकट है और एक सादा साकट, ये वाला सादा है। और ये है टी, मेटल टी। एक सादा टी है और एक है मेटल टी, तो ये है मेटल टी 25 पाइप की। और ये है 25 यूनियन। ये तो एक बार रिपीट हो गया। और ये भी 25 पाइप के लिए क्लिप है और 32 पाइप के लिए भी। तो ये क्लिप सही है या वहाँ जो पिछले वीडियो में आपको दिखा रह चुका हूँ ये वाला? और ये है 25 mm एल्बो। ये है सादा एल्बो। एक होती है मेटल एल्बो। ये भी PPR की सारी सामान है, आपको शायद देख रहा होगा। ये एक बैरल निपल है और एक है गेट वाल, और मोटर भी सामने पड़ा है। इसमें आपको साकट भी नज़र आ रहा होगा। और ये है बंद प्लग जो कि पाइप फिटिंग का काम ख़त्म हो जाती है, तो मेटल एल्बो या टी वगैरह जो भी हो इस पे ये लग जाता है, तो पानी की लीकेज का कोई मसला ना हो। और ये है 25 एल्बो। ये मास्टर कंपनी वाला है और वो पीछे जो रह गया वो है तकरीबन बुर्ज कंपनी वाला, तो दोनों अच्छी तरह काम करते हैं। और ये है मेटल साकट 3/4। एक वाला होता है 1/2 साकट और ये है 3/4 जो कि PPR में अच्छी क्वालिटी का है। और ये है 25 साकट, ये भी मास्टर कंपनी वाला है, ये भी बहुत अच्छी काम करते हैं, तो ये चीज़ ज़रूर इस्तेमाल करें अपने घर के लिए। ये है 25 mm गेट वाल जो कि पानी बंद करता है और जब इस तरफ पे ताव मोड़ दे तो पानी खुला कर देता है। ये भी बहुत ज़रूरी है अपने घर के इस्तेमाल के लिए।